दोस्तों कैसे आप लोग, मैं हूं प्रिंस सर और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल सुंदर सा चैनल बूम बूम फिजिक्स में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जी का वैल्यू क्या होता है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण उसे कहते हैं जिस त्वरण से पृथ्वी किसी भी द्रव्यमान को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इस छोटे वाले जी का, इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो कैसे बदलता है। हालांकि भूमध्य रेखा और आपका पोल यानी कि ध्रुव को लेके हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि कैसे बदलता है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पोल पर जो होता है जी का वैल्यू वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर। ये बात तो आपने देखा था, क्योंकि पोल पर त्रिज्या जो हो जाती है कम हो जाती है, जिसके कारण से जी का वैल्यू जो हो जाता है। अब बात आता है कि सर ये जी एट पी, जी का वैल्यू पोल पर, जी का वैल्यू इक्वेटर से कितना अधिक होता है। तो एक बात छोटा सा नोट याद कर लेना, ये जो चीज़ तुमको हम बता रहे हैं बहुत वीआईपी चीज़ है। पोल पर जी का वैल्यू बराबर इक्वेटर पर पोल का वैल्यू प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप दिमाग में बिठा लेना दोस्त। ये जो है पूछा हुआ भी प्रश्न है कि पोल पर जो जी का वैल्यू होता है वो इक्वेटर पर के पोल के वैल्यू से कितना अधिक होता है। तो आप याद रखना 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें अगर जोड़ देते हो आप, ये कहाँ का है, पोल पर का। ठीक है, ये एक याद रखने वाली चीज़ है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्त वो कि जी का वैल्यू अगर हम अर्थ के सर्फेस से ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे जाते हैं तो जी का वैल्यू कैसे चेंज करता है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के साथ। ऊंचाई बढ़ने पर जी का वैल्यू कैसे बढ़ता है या घटता है, यह वाली चीज जो है हम अभी आपको दिखाएंगे। जैसे देखो, ध्यान से देखना दोस्त, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है। तुड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक ताड़ाड़ा, ओहो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन। आज देखो, ये जो है आपका, ये एक हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये रहा केंद्र। जैसा कि आपको मालूम है ये केंद्र है और ये त्रिज्या है और ये सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है। और ये भूतल, 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 ओके। और यहां पर जी का वैल्यू कितना, जी 9.8, और वो तो आपको मालूम ही है कि 9.8 होता है। पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, ये आप पहले देख चुके हैं और इस कैसे आता है ये भी मैंने दिखा चुका आपको। अब बात आती है कि सर पृथ्वी के तल से, भूतल से जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के वैल्यू में कैसे परिवर्तन होगा। आ जाओ, चलो ना एक काम करते हैं, भूतल पर जी का वैल्यू का फॉर्मूला तुमको याद है, जी बराबर, नहीं सेंटीमीटर में नहीं, 981 सेंटीमीटर में कह सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर कहिए। तो जी का वैल्यू जो होता था जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, ये कहां हुआ करता था भाई, भूतल पर। ये कहां हुआ करता था दोस्त, भूतल पर हुआ करता था, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह पर आएंगे तब। ध्यान देना, जी का वैल्यू नहीं बदलने वाला, मास ऑफ अर्थ भी नहीं बदलने वाला। आरी क्या है, आरी जो है पृथ्वी के केंद्र से ही भूतल की जो है ऊंचाई है ना। अब हम मान लेते हैं कि इससे एच ऊंचा ऊपर चले गए, हम कहां चले गए, एच ऊंचाई ऊपर, और अब हम आ गए यहां पर, अब हम आ गए यहां पर, ये ए था और ये यहां पर आ गए, मतलब इस सतह पर नहीं, अब कहां आ गए, एच ऊंचा ऊपर आ गए। तो यहां पर जी का जो वैल्यू होगा वो तो सीधी बात है कि इसके बराबर तो होगा नहीं, आप बदल रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का वैल्यू बदलता है। तो जी का वैल्यू यहां पर या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, हमें वही पता करना है कि बढ़ा है कि घटा है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आ जाओ तो देखो, तो कुछ मत करिए, चुपचाप पढ़ाइए। यहां आरी है ना, आरी क्या है, आरी का स्क्वायर, यहां से केंद्र तक की दूरी, यहां से केंद्र तक की दूरी आरी, यहां से यहां तक की दूरी आरी प्लस। तो सिंपल सा भाई, जी
एम ई अबाटा में देखो, जब यहाँ पर निकाल रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग था, जब यहाँ पर निकाल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग होगा, मतलब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन मान लो, ये टू मान लो, और आपके पास हो गया दो समीकरण, समीकरण वन और समीकरण दो। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करेंगे सर, समीकरण दो को भागा देंगे एक से खचा, समीकरण दो भागा एक, तो दो का है जी एच, ले लो बटा में जी बराबर, ये पूरा ना मेरे दोस्त। ओके, झुकेगा नहीं साला। देखो यहाँ पे क्या है, इतना हो गया ना समीकरण एक भागा समीकरण दो जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। अब तो कुछ कुछ करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा वो आप जानते हो। नंदीलाला ये देखो, तो ये पूरा रख देते हैं, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हो गया गुना आर ई का स्क्वायर बटा में जी एम ई, ये जी एम ई से जी एम ई खत्म हो गया सर। और देख भाई, जी एच बाई जी बराबर आर ई का स्क्वायर बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, अगर आपकी इजाजत हो माई लॉर्ड, तो जी एच बाई जी बराबर आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर डालो। इसलिए जी एच बराबर जी इंटू आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो भैया, यहाँ पर कहानी के रूप में एक फॉर्मूला तुम्हारा आ गया कि जी एच बराबर जी इंटू आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। इसके पहले जरा आप इसको नोट कर लो, जल्दी से छापो। तो आइए देखा जाए, आपने एच हाइट पर जी का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, जी इंटू आर ई था ना, अब बटा में आर ई प्लस एच था ना, है ना, का होल स्क्वायर, ये वाला था। अब ध्यान देना जरा, अगर इफ यदि हम क्या करते हैं ना, आर ई प्लस एच के जगह पर हम छोटका आर मान लेते हैं, और आर का मतलब आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी के केंद्र से जहां पर भी निकालना उसकी ऊंचाई के बाद में कर रहे हैं हम, तो जी एच बराबर जी इंटू आर ई बटा में आर का होल स्क्वायर, आर ई बटा में आर का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसका, अब एक बात बताओ, यहां से तुम देखोगे तो जी एट हाइट एच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया आर के स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। दूरी बढ़ने पर केंद्र से अगर आप ऊंचाई बढ़ाओगे, तो जी का वैल्यू घटेगा, बढ़ेगा तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो, भूतल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्त, घटता है। जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे एक सवाल क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा। कहने का मतलब कि पृथ्वी के सतह से दोबारा पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर जाना है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र से ये हो गया आरी। अब तुमको क्या करना है ना कि इसको ऊपर और आरी जाना है, मतलब यहाँ पर, यानी कि एच के बराबर फिर से आरी। हमारा जी का वैल्यू तुमको तो मालूम है कि जी एच बराबर जी इंटू
आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तो तुमको मालूम ही है ना। एच के जगह पर क्या रख लेना है दोस्त, एच के जगह पे आर ई रख लेना है। तो अगर हम एच के जगह पे आर ई रखेंगे जी इंटू आर ई बटा में आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करो जरा इसको, जी एच बराबर जी, ये हो गया आर ई, आर ई प्लस आर ई टू आर ई, आर ई प्लस आर ई टू आर ई का होल स्क्वायर, आर ई से आर ई खत्म, क्लियर है। जी एच बराबर जी इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर। तो यहाँ पे देखो जी एच बराबर हो गया जी बाई फोर, जी एच बराबर क्या हो गया जी बाई फोर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से आप सतह पर तो वैल्यू जी होता है, सतह पर वैल्यू कितना होता है जी, लेकिन फिर से अगर त्रिज्या के बराबर ऊंचा जाओगे ना तो वहां पर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी बाई फोर, याद रखना इस बात को, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो और एक कंजप्शन में चलते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि जी एच बराबर जी इंटू आर ई बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और स्मॉल आर के जगह पर आप कितना रखे थे, स्मॉल आर के जगह पर कितना लिए थे दोस्त आप, आर ई प्लस एच लिए थे, लिए थे ना। कह रहा है कि यदि ये छोटका आर को इनफाइनाइट ले लिया जाए, मतलब बहुत अधिक दूरी पर अगर भेज दिया जाए, है ना, पृथ्वी के तल से अनंत दूरी पर, तो पृथ्वी के तल वो से अनंत दूरी पर अगर चले जाओगे, पृथ्वी के तल से यदि आप अनंत दूरी पर चले जाओगे तो जी इंटू आर ई बटा इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। और किसी भी चीज को जब आप इनफाइनाइट से भाग देते हो ना मेरे दोस्त, इनफाइनाइट से भागा देते हो तो वो जीरो हो जाता है, मतलब कि वहां पर जी का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना, जब आप पृथ्वी की तल से अनंत ऊंचाई पर चले जाते हो तो वहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये आप दिमाग में एकदम पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब चलिए सर, आपने ये बता दिया, एक और चीज बता देते हैं आपको, यदि पृथ्वी तल से बहुत कम ऊंचाई पर जाना हो, बहुत कम ऊंचाई पर जाना हो, मतलब इसका सेंस ये बनता है कि यहां पर जो एच होगा ना दोस्त, वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटा होगा, यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होगा बहुत छोटा होगा। ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे समझोगे ज्यादा, जी एच बराबर जी इंटू आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आप पृथ्वी तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हो, एच का वैल्यू जो है ना आर ई यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के तुलनात्मक हो, तुलना करने लायक हो, आधा जाते हो त्रिज्या के, दोगुना जाते हो त्रिज्या के, त्रिज्या के बराबर जाते हो, तो वैसे किस में आप ये सूत्र लगाओगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एच जो है पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में बहुत कम है, तो ऐसे केस में आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। आप देखो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, जी एच बराबर जी इंटू आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लेके आते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा सर, आर ई प्लस एच बाई आर ई का माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि आपने चीजों को पलटा है ना, तो पावर माइनस में हो जाएगा। सर ये क्या कर रहे हैं सर, अभी एक और काम करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ्स में आपको एक पढ़ना है द्विपद प्रमेय, और वसी द्विपद प्रमेय से हम ये काम करने वाले हैं, जी एच बराबर जी इंटू, ये देखो तो पहले आर ई प्लस एच बाई आर ई है, तो आर ई बटा में आर ई प्लस एच बटा में आर ई का पावर माइनस दू, हयारी से आरी खत्म, जी एच बराबर जी वन प्लस एच बाई आर ई का पावर माइनस दू, ये तो समझ में आया ही होगा। अब एक बात और हम तुमको बता देते हैं, ये द्विपद प्रमेय से मैथ्स वाले सर से बोलना कि सर जरा हमें द्विपद प्रमेय पढ़ा दो, द्विपद प्रमेय से क्या होता है कि जब ऐसे कंडीशन हो और यहाँ पर ये ऊपर वाला अंश जो है हर से बहुत छोटा हो, तो ये पावर जो होता है ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा जी एच बराबर जी इंटू वन प्लस, और यहाँ पे आ गया माइनस टू,
एच बाई आर ई, आप देखो अब एच जी का वैल्यू कितना आ गया, जी एट हाइट एच बराबर 1 - 2H/RE, ये आ गया जी का वैल्यू जब एच बहुत छोटा हो पृथ्वी की त्रिज्या से। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नोट करिए इसको। अब आइए, अब आपने देख लिया कि जब एच जो हो छोटा हो पृथ्वी की त्रिज्या से तो जी का वैल्यू ऊंचाई एच पर कितना होता है, तो जी इंटू 1 - 2H/RE। ये अब बात आता है कि थोड़ा निकाला जाए कि इसमें डिक्रीज वास्तव में हुआ कितना। हम बात करते हैं वास्तविक जी के मान में वास्तविक ह्रास कितना हुआ, ये पता लगाना जी के मान में वास्तविक ह्रास कितना हुआ, कितना घटा वास्तविक ह्रास। तो हम क्या करेंगे ना दोस्त, वास्तविक ह्रास अगर हमको पता करना है, अगर मुझे वास्तविक ह्रास पता करना है तो हम जी के मान में से हम जितना भी जी का वैल्यू अब है वो घटा देंगे। जैसे पहले मेरे पास 10 रुपया था, अब मेरे पास 5 रुपया बचा है, तो मेरा वास्तविक पैसा का ह्रास कितना हुआ, 10 में से 5 घटाओगे। वैसे ही पहले वाले जी के मान में से अब के जी का मान हम घटाएंगे। तो पहले जी का मान जी हुआ करता था, घटाओ यहां पर जी एच का वैल्यू जी इंटू 1 - 2H/R। आप इसको डेल्टा जी बोल सकते हो, वास्तविक ह्रास डेल्टा जी। ये देखो जी जी को कॉमन ले लो, यहां से 1 बच जाएगा और यहां से जी हटेगा तो कोई बात नहीं, ये तो खत्म हो गया, बाहर आ गया, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2H/RE दे सकते हो, ये 1 से 1 गया। देखो डेल्टा जी का वैल्यू कितना आया दोस्त, डेल्टा जी का वैल्यू आया 2IGH/RE। ये देखो ये तुम्हारा जी के मान में वास्तविक कमी है, जी के मान में कितनी कमी आई, जी का मान कितना हुआ ये अलग है और कितना घटा ये अलग है, ये डेल्टा जी का वैल्यू है। आप डेल्टा जी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। कभी कभी ये भी पूछता है कि भिन्नात्मक ह्रास कितना हुआ, भिन्नात्मक ह्रास, भिन्नात्मक ह्रास मतलब समझ रहे हो, भिन्नात्मक ह्रास मतलब जैसे आपने परीक्षा दिया 100 मार्क्स का, आपका आया 70, तो भिन्नात्मक आपका जो मार्क्स है वो कितना आया, 70/100। उस ही यहाँ पर हम भिन्नात्मक ह्रास जब पता करेंगे तो डेल्टा जी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जी का ये रख दोगे, तो यहाँ से डेल्टा जी का वैल्यू आ गया 2GH/RE और बटा में जी, जी जी से जी खत्म हो गया, तो देखो यहाँ पे भिन्नात्मक ह्रास आ गया तुम्हारा 2H/RE। ये देखो यहाँ से तुम्हारा भिन्नात्मक ह्रास आ गया। अगर यहीं से तुमसे पूछ दे प्रतिशत में ह्रास कितना आया, पूछ सकता है ना कि अगर हम उसको 500 मीटर ऊंचाई पर ले गए तो जी के मान में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक, प्रतिशत ह्रास, प्रतिशत ह्रास आप कैसे निकाल सकते हो, ये सारी चीजें जो है ना ट्रिक है जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो प्रतिशत ह्रास कैसे निकालते हैं दोस्त, बस भिन्नात्मक ह्रास और भिन्नात्मक ह्रास में 100 से गुणा कर दो, भिन्नात्मक ह्रास गुणा 100, तो प्रतिशत ह्रास बराबर डेल्टा जी अपॉन जी और इनटू 100। तो डेल्टा जी अपॉन जी कितना आया है, डेल्टा जी अपॉन जी बराबर आया है तुम्हारा 2H/RE, कितना आया है 2H/RE, सो इट इज परसेंटेज 2H/RE इनटू 100। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका काम हो गया। तो ये 3 तरह के आपके सवाल जो पूछ सकता है जिसका आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे याद रखना ये भिन्नात्मक ह्रास और मल्टीप्लाई में 100 दिया हुआ है, शायद यहाँ पे लाइट चमक रहा है तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये 3 तरह के सवाल कर सकते हैं, आप इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने पूरी तरह से देख लिया ये बात कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जी के वैल्यू में कैसे चेंज आता है। आपने देखा कि जी के वैल्यू में आप हमेशा डिक्रीजमेंट देखते हो, ह्रास देखते हो, कमी आती है जैसे जैसे हम भूमि से ऊपर जाते हैं। आपने ये भी देखा कि जब आप पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के लगभग वाली ऊंचाई पर जाते हो तो उसके लिए अलग सा फॉर्मूला आता है, और जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में कम ऊंचाई पर जाते हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है। आपने ये भी देखा कि जब आप पृथ्वी की तल से अनंत ऊंचाई पर चले जाओगे वहाँ पर जी का वैल्यू 0 आता है। तो आज अभी के इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर आप
पृथ्वी की सतह से नीचे जाने लगे, मतलब कि अगर आपकी गहराई बढ़ने लगे, डेप्थ में आप जाने, पहले हाइट जाते थे, अब कहाँ जाना है, डेप्थ में जाना है। तो डेप्थ में जाने पर कैसे रिएक्शन आएंगे, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, वो देखना है हमें। तो जी के मान में परिवर्तन ही देखना है हमें जब पृथ्वी के तल से गहराई में जाने पर, पृथ्वी के तल से गहराई में जाने पर। ध्यान देना मेरी बात को, एक सेकेंड, गोल ना बनो, गोल बनावे के पड़ी रे बबुआ। ये देखो कितना लोग बोल रहे हैं सर अभी भी गोल नहीं है, तो जब तक गोल नहीं हो तब तक बनाते जाएंगे बे, गोल करके ही मारेंगे। बंजा 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 ना बनल गोल सर, लेकिन अब जा जाओन बाबूसन बा आपका कल जाओ। ठीक है चलो मान लो ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, ओके सर, ओके ओके, ये पृथ्वी की, अब ये सतह है जी, आप यहां से आरी दूरी पर हैं, आप यहां से कितने दूरी पर दोस्त, आर ई दूरी पर हैं, और चूंकि जब आप आर ई दूरी पर हैं तो आपके जी का वैल्यू 9.8 है। अब आप नीचे आने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा जो हरकतें आपने ऊपर जाने में करी थी ना वो नीचे आने में नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, हालांकि ये होता है, हालांकि ये होता है, नो डाउट इसमें ये होता है, बट आप याद करो ये भी होता है 4/3 जी पाई रो आर ई, याद आया, मैंने ये भी निकलवाया जी का वैल्यू। सर ये वाला ना लेके ये वाला क्यों लेंगे, ये वाला हम इसलिए लेंगे दोस्त क्योंकि अब हम पृथ्वी की सतह के नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर अब घनत्व मैटर करेगा, यहाँ पर अब पृथ्वी के नीचे जाओगे तो जमीन कोड़ना पड़ेगा, अब कोड़ेगे तो घनत्व मैटर करता है, अब इसीलिए घनत्व वाला फॉर्मूला हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर जब आप पृथ्वी की सतह पर हैं, सतह पर हैं, तब आपका फॉर्मूला जो है 4/3 जी पाई रो आर ई। अब हम का किए ना, खोद खोद के यहाँ पर हम आ गए डी डेप्थ नीचे, कहाँ आ गए, डी डेप्थ नीचे, यहाँ पर आ गए, ये देखो हम कितना नीचे आ गए दोस्त, डी डेप्थ नीचे आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आके वैल्यू हो जाएगा जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू, कौन कौन सा ऐसा चीज है जो नीचे आने पर बदलेगा, मुझे लगता है 4/3 बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये सब नहीं बदलेगा, इस जी का वैल्यू तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये भी कभी नहीं बदलेगा, पाई का वैल्यू 22/7 कभी नहीं बदलेगा, और ये पृथ्वी का घनत्व तो यहाँ कोड़ो यहाँ कोड़ो यहाँ कोड़ो कहीं जगह कोड़ो हर जगह वही रहेगा, हाँ सर ये पृथ्वी की त्रिज्या। तो अब जब आप यहाँ पे हो जाओगे ना, तो पहले यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाती थी, अब आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, तो ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी आप बताओ, ये पूरा आ रही है और आप डी नीचे आ गए, तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाला जो ऊंचाई है वो हो जाएगा आर ई माइनस डी, आप जहां पर हो वहीं का दूरी ले सकते हो केंद्र से, तो केंद्र से आप यहां पर हो तो यहां से यहां तक की दूरी आर ई माइनस डी, तो देखो यहां पर हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा अब आर ई माइनस डी, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना, आप कुछ नहीं करना, समीकरण 2 भागा 1, समीकरण 2 भागा 1, जब आप 2 को जी डी अबटा में जी बराबर जी डी की जगह पर ये पूरा 4/3 जी पाई रो और आर ई माइनस डी बटा में 1 के जगह पे ये पूरा 4/3 जी पाई रो आर ई, ये पूरा से ये पूरा खत्म, देख लो जी एट डेफ्थ डी बराबर आर ई माइनस डी बाई आर ई, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आने वाला है जी डी बाई जी बराबर आर ई बाई आर ई माइनस डी बाई आर ई, जी डी बराबर जी इंटू ये उधर चला गया और आर ई बाई आर ई हो गया 1 माइनस डी बाई आर ई। ठीक है तो ये आपका जी का वैल्यू आ गया जब आप पृथ्वी को खोद खोद के डी डेप्थ में नीचे जाओगे। तो सवाल है आपसे कि खोदते खोदते अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर आ गए तब जी का वैल्यू कितना होगा, ट्राई करोगे, इसको नोट करो, ट्राई भी करते रहो,
तो सवाल मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था सवाल आपसे कि क्या होगा जब आप पृथ्वी को खोदते खोदते उसके केंद्र तक पहुंच जाते हैं, और जब आप उसके केंद्र तक पहुंच जाते हैं तो उस समय जी का वैल्यू कितना होगा। आइए देखा जाए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर किसका मान, जी का मान। सर जी अगर हम केंद्र पर आ गए, यहां से कोड़ते 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 यहां आप आ गए, तो कितना नीचे आ गए, त्रिज्या के बराबर आ गए, मतलब कि हमारा जो डेप्थ हो जाएगा वो पृथ्वी के किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तब तो सर चीजें लॉलीपॉप हो गई, वन माइनस डी बाई आर ई, डी बाई आर ई मेरे मित्रों जी, वन माइनस डी के जगह पे आर ई, आर ई बटा आर ई और आर ई से आर ई कोटी, और जी और वन माइनस वन जीरो, जीरो गुना जी जीरो। तो देखो ना, जब आप पृथ्वी के केंद्र पर आओगे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान खचाक से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जीरो हो गया, तो पृथ्वी के केंद्र पर आदमी का भार, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, आदमी ही मत रखो किसी भी वस्तु का रखो, वस्तु का भार। अब बबुआ जब भार एम जी होला, एम तो एम, जी का वैल्यू जब जीरो हो गई तो भार कितना हुई, जीरो। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार भी क्या होता है, जीरो आता है। समझ गए बात को। अब आरी कैसा है, डी की तुलना में कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा एक ही सूत्र लगाओगे डेप्थ में जाने पर। और याद रखना, यहां पर भी 9.8 था, ऊपर 9.8 था, नीचे आके यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब साफ है कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसके डेप्थ में जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। हम बोल सकते हैं कि गहराई बढ़ने पर, गहराई बढ़ने पर यानी कि पृथ्वी तल से केंद्र की ओर जाने पर जी के मान में कमी आती है, जी के मान में क्या आती है दोस्त, कमी आती है, जी का मान घटता है। तो एक बात बहुत ही बढ़िया सा समझ में आया कि ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की क्या है, सतह है, और यहां पर जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8। अब जब ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा, नीचे जाओगे जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी घटेगा, मतलब सबसे अधिक कहां होगा, यहीं पर, यहीं पर सबसे अधिक कहां होगा, यहीं पर, नोट कर लो। अब हम आपको जैसा पहले में सिखाया था कि ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में कैसे कैसे कमी आता है, नीचे में भी वैसे ही सिखाएंगे। आपने देखा कि जी एट डेफ डी होता है जी इंटू वन माइनस डी बाई आर ई, ये आपका सूत्र है डेफ्थ जाने पर जी के मान में परिवर्तन का। हम फिर से वैसे ही बताएंगे आपको, पहला वास्तविक ह्रास कितना आया जी के मान में, जी के मान में वास्तविक ह्रास किसके मान में, जी के मान में वास्तविक ह्रास, मतलब हम आपको डेल्टा जी पता करने वाले हैं। तो डेल्टा जी के लिए क्या करना पड़ेगा, जी में से आपका जितना जी का वैल्यू आया है वो घटाइए, पीछे वाला जैसा ही काम करना है। तो जी का वैल्यू जी और जी एट डेप्थ डी, ये देखो जी वन माइनस डी बाई आर ई। अब जी कॉमन ले लो, जी जब कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस डी बाई आर ई, 1 से 1 तो आपका हो जाएगा खत्म, खत्म, तो हो गया जी इंटू डी अपॉन आर ई, ये आपका है डेल्टा जी। ये क्या है, कितना कमी हुआ है जी के मान में पृथ्वी तल से नीचे आने पर, वो ये। ठीक है, अब भिन्नात्मक कमी क्या देखोगे दोस्त, कि इसमें भिन्नात्मक कमी कितना है। अब भिन्नात्मक कमी चाहे भिन्नात्मक ह्रास के लिए आप देखो डेल्टा जी को भागा दे सकते हो ओरिजिनल जी से, डेल्टा जी आपका है जी डी अपॉन आई,
और यहाँ पर जी से भागा दिया, जी से जी खत्म। देखो ना भिन्नात्मक कमी जो आ गया तुम्हारा डी बाई आरी, भिन्नात्मक कमी कितना आ गया डी बाई आरी। अब तीसरका जो है हम लोग का क्या था, क्या था क्या था, प्रतिशत कमी। अगर आप प्रतिशत कमी निकालना चाहते हो या प्रतिशत ह्रास निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा जी अपॉन जी को 100 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रतिशत कमी जी के मान में जो आएगा वो आपका आ जाएगा डी अपॉन आरी, क्योंकि डेल्टा जी बाई जी का जो वैल्यू आया है डी बाई आरी आया है। तो डी बाई आरी मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो ये आ गया आपका प्रतिशत कमी। तो ये आपके जो है पृथ्वी की तल से आप ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान में कैसे परिवर्तन आता है, पृथ्वी की तल से गहराई बढ़ने पर कैसे जी के मान में परिवर्तन आता है, किस तरह से परिवर्तन होता है, बढ़ता है या घटता है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर भी करना ना भूले, और सब्सक्राइब तो करवे करोगे पक्का, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसके कारण से जी के मन में कैसे परिवर्तन आता है, समझ रहे बात को। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम आपके सामने आएंगे कल के वीडियो में। मिलते हैं, थैंक यू।